जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। मुनिश्रेष्ठ, आपके साथ ये दो राजकुमार कौन हैं? इनका परिचय कराएं। राजन, ये है दोनों राजकुमार अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम और उनके अनुज लक्ष्मण है। अहो भाग्य। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, राजन को प्रणाम करो। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। खुले हैं भाग आज मिथिला नगरवासी विचारों के। ऋषि के साथ दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। हे दशरथ कुमार, आपका अभिनंदन है। आपके ईट की अक्तियों से निर्मित पिनाक आपको सत सत नमन। कीनी नित पूजा आरती उतारी ना जान पड़ती आज अंतिम दिवस ये तुम्हारा है। करता विदेह ये प्रणाम तुम्हें बार बार। दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है। सीता के भाल बिंदु चमकने को दीन बंधु। प्रण तो हमारा है परयासरा तुम्हारा है। हे महादेव के कांधे पर शोभायमान रहने वाले अलिगो, आज विदेह की प्रतिज्ञा और पुत्री सीता का सौभाग्य तुम्हारे हाथ है प्रभु। सभी राजाओं को हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सुनाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज। सुनो 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 राजेगढ़ के महाराज, सुनो। उठाएगा धनुष जो भी और चिल्ला चढ़ाएगा। जमाता जनक का होगा, सिया का वर कहलाएगा। महाराज आइए और इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाइए। महाराज, आप कहाँ के महाराज हैं? हम ढोलकपुर के राजा ढोलू सिंह हैं। जी, हम राजा हैं मस्त, रहते अपने कामों में व्यस्त। और इस धनुष को तोड़कर हो जाएंगे जबरदस्त। लगता है इसमें पक्का कुछ लगाया गया है। नहीं महाराज, मैं कह तो रहा हूँ इसमें कुछ नहीं लगाया। मंत्री जी, हम कुछ समय बाद प्रयास करेंगे। लगता है महाराज आज पूर्ण रूप से भोजन नहीं करके आए आप। आइए महाराज आइए, और आप भी अपना प्रकल्प दिखाइए। महाराज अब आप हमें देखिए। महाराज आप राम के महाराज हैं। हम इंद्रप्रस्थ के राजा हैं। हमारा नाम इंद्र सिंह है। बरसों पुराने धनुष पे इतना गुमान है, आखिर एक छोटा सा कमान। इसे अभी पल भर में तोड़ दूंगा, अपने बाहुबल का पराक्रम दूंगा। सीता को हर के अपनी नगरी की रानी बनाऊंगा। के लिए पूर्ण शक्ति का प्रयास करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। महाराज क्या हो गया? अभी तो आप बाहुबल की प्रयास कर रहे थे और बाहुबल की बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? लगता है हमारी शक्तियां कम हो गई। मुझसे दुनिया में पलवा नहीं, मैंने कैलाश पर्वत उठाया था। क्या तुझे ध्यान नहीं? फिर ये तुझ धनुष है ही क्या? इसे अवश्य मैं तोड़ूंगा। और सुन, तो जैसे अभिमानी का घमंड भी अवश्य मैं तोड़ूंगा। रावण रावण मत कर इतना अभिमान, कर प्रणाम, जाओ अपने घर को, आजाद हो इन सब झगड़ों से। जब शिव शंकर भोले स्वर को सुखारी न इसे तोड़ सके। यह सत्य मारो वाणी मेरी है, जीता तुमने जगत बेशक है वीर विक्रम बड़े सुरारी। सत्य वचन बाणासुर, सत्य वचन है सूरवीर, मैंने पछाड़े हैं। देवता, अरे देवता जान बचाए फिरते हैं, फिर इंद्र राजा इंद्र राजा बजाता बाजा, खड़ा रहता मेरे द्वारे है। अन्नपूर्णा करे पिसाई, अरे पिसा उसी का खाते हैं। है चांद सूरज बजाते पहरे, खड़े रहते मेरे द्वारे हैं। बासुर मैं अभी जाता हूँ, पल भर में धनुष को उठाता हूँ और यहाँ पे आए सभी राजाओं को अपना जोर दिखलाता हूँ। करो न रावण गुमान इतना, चढ़े न तुमसे कमान भारी। इस धनुष को प्रभु वही तोड़े जिन्होंने गौतम की नारी तारी। बाणासुर, क्या तुझे ज्ञात नहीं ये जग सारा मेरे आगे सरसों सम है। जिन महादेव ने शेषनाग को धारा कर आभूषण है, उनके सहित मैंने कैलाश पर्वत उठाया था। ओ मूर्ख, तो क्यों ना करो अभिमान इतना। जाता हूँ, पल भर में इस धनुष को उठाता हूँ, तत्पश्चात तेरा नगर साफ करके मध्य बहाता हूँ। तोड़ू ये कुछ धनुष हम शंकु के नौनिहाल से है। तू पढ़ाई किसकी करो दुष्ट, हमारे वन में कमाल है। अच्छा, मैं भी देखता हूँ तू मेरे नगर को किस प्रकार बहाता है और इस धनुष को कैसे उठाता है। तो देख जो दशानन ने बोला वो कर डाला। तू देख। अच्छा, मैं भी कुछ करता हूँ। सावधान और उठ, सावधान। कौन? ये आवाज, ये आकाशवाणी कौन है? तुम्हारी बहन कुम्बती को मधु केटव नामक दो राक्षस उठाकर ले जा रहे हैं। क्या कहा? तो भाई करण कहाँ है? वो निद्रासन में है। ओह, तो पुत्र इंद्रजीत कहाँ है? वह तपस्या में लीन है। क्या कहा? ओ शंभो, भूल हुई जो पति को इस अवस्था में छोड़ आया। ओह, अब मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा अपनी बहन कुम्बती के पास। ओह, परंतु याद रख सीते, तुझे एक दिन लंका अवश्य मैं दिखलाऊंगा। और ये रावण का वादा है, उस लंका की पटरानी बनाऊंगा। जय शंकर के। तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए पुत्र चलकर आसन ग्रहण करो। क्षमा करें गुरुदेव, सच्चे वीर सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताप नहीं तो वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए यह वाणी के डाली है, यह वाक्य हृदय में चुपते हैं। यह पृथ्वी वीरों से खाली है, कहता हूँ यह पृथ्वी है बलवानों की। जिस दिन न होंगे फिर यहाँ, उस दिन न होगी यह पृथ्वी। भैया लक्ष्मण शांत, तुम्हारा इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं। गुरुदेव हमारे साथ हैं, हमें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शांत भाई। भ्राता जी, आप तो जानते ही हैं मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा है। अपमान न मुझे गवारा है। कृपा है इन गुरु चरणों की, बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो की का मजाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊंगा। चल काटू ले आऊं तो चांद सितारों को सुरमे की तरह पीस के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पूरा का खिंचा पिटा तीन के साथ इस गिनती में है, सैकड़ा कोस तक ले दौड़ू। इतना बल इस उंगली में है और दुष्टों भी जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल भी क्या उठे, लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत है, तुम्हारी ही जीत है। भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार जानता हूँ, परंतु इस समय तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं। भाई राजा जनक बड़े हैं और निराश होकर हताश में खड़े हैं, इस हेतु क्रोधित होकर उनका कुछ भी कह देना उचित है। भैया तुम मेरा कहा मान अपना स्थान ग्रहण करो। जैसे आज्ञा भ्राता जी। अपना बल आजमा लिया, परंतु यहाँ आए किसी भी राजा से इस धनुए पर चिल्ला ना चढ़ सका। चिल्ला चढ़ाना तो दूर, कोई उसको उसकी जगह से ना हिला सका। अब देर उचित नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। उठो रघुकुल भूषण राम, उठो और यहाँ आए सभी राजाओं को इस धनुए पर चिल्ला चढ़ाकर दिखाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। श्री महादेव का महाधनुष और इस अवस्था में इतना साहस, इतनी निडरता, यह दुष्ट कार्य किसने किया और किसने अपनी मौत को चुनौती दी है? ओ मूर्ख जनक, जल्दी बतला, शिव धनुआ किसने तोड़ा है और इस भरत स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी बतला, जल्दी बतला, अन्यथा सब चौपट कर डालूंगा। जितना भी राज्य है तेरा इस पृथ्वी पर सब उलट कर डालूंगा। हे नाथ, शंभुधनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। हे ऋषिराज, हे मुनिराज, हे भृगवंश, हे परशुराम, हे परम तत्व साधक मुनिवर, हे चरण शरण में दास राम, यह धनुष भंग अति महाकार्य संभव तो आपकी शक्ति से था। मैं सेवक ब्राह्मणों का स्वामी, यह संभव ब्राह्मण शक्ति से था। हे नाथ धनुष यह भंग हुआ, बल और प्रताप तुम्हारा था। कहिए कहिए स्वामी, मैं तत्पर हूँ, जो आदेश आपका हो। हे नाथ, महाराज जनक के संताप को दूर करने हेतु आपके इस सेवक से यह धनुष भंग हुआ। कहिए स्वामी, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? सेवक? अरे सेवक वह है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो बैरी सा कार्य करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। तुझे देख मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी वाणी से पंछी पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पीसा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल दे इसलिए अपराधी ठहराया। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, और हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, इस शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और बचपन में जो धमी तोड़ी, स्वामी तिल मिलाए न इतना, और इस धनुए में क्या लाल जुड़े, जो स्वामी कर माए इतना। अरे ओ नादान बालक, मुंह नहीं समा रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे। क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला, क्या छोटी छोटी धनुष समय। मुनि श्रेष्ठ, धनुष हमारी राय में सब है एक समान। इसे तोड़ दिया हमने तो जोड़ लीजिए ना, श्री महान तपस्वी ब्राह्मण हो। इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का भी कुशल क्रोध नहीं जो महा श्री ने पहना है, ये गहना हम राजपूतों का जब पहना जाता है रण में, और अपराध क्षमा है महामुनि। शांति शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक बालक क्या हुआ तुझे, क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण जान लिया जो मुझे डांटता जाता है? लक्ष्मण लक्ष्मण मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने खून की नदियां बहा दी है। 21 बार इस आर्य भूमि पर चक्राणिया विधवा बना दी है। सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, और इस फरसे को तू भी देख ले, ये तेरा लहू चाटने वाला है। मुनिश्रेष्ठ इसे काट में दबा लीजिए, कहीं हवा न लग जाए। बस एक इसी फरसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह सच आपका गुठल है। फर्श से मैंने वो प्रबलता जो इस बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर तुम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, और स्वामी आप तो फूकों से उद्यांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर जाए, और छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ओ दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा दांतों में खट्टे, स्वाद चखाएगा ये फरसा। लक्ष्मण तू अभी बच्चा है, बच्चा और बच्चा ही रहे। क्यों मेरे कर से मरता है? मेरे इस क्रोध के आगे तू किस कारण बचपना करता है? मुनिश्रेष्ठ हम तो बच्चे हैं, और बच्चे ही तो बचपना करते हैं, परंतु आपको भी शोभित नहीं जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। लक्ष्मण हे नाथ, करहूं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिए न केहू। जय पे प्रभु प्रभाव को जाना, तो की बराबरी कर ले आना। हे नाथ, लक्ष्मण अभी बच्चा है, और बच्चों की बोली में उचित तथा अनुचित नहीं रहता। यह तो गंगा का बहाव है, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मणों के भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों सा रूप देखकर इसने की इतनी बातें भी। हे भृगुनाथ, लक्ष्मण हर प्रकार से निर्दोष है। आपका सच्चा अपराधी मैं हूं। इस हेतु आप जो भी दंड देना चाहते हैं वह मुझे दीजिए। सच्चा अपराधी मैं हूं। अपराधी? अरे अपराधी के वास्ते तो मेरा ये फरसा है। अपराधी अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी तो आप हैं जो ये उत्सव बिगाड़ने आ गए। भाई ने दही पिलो डाली तो घी निकालने चले आए। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसे अपने आगे तुड़वा डाला। तो अब होते हो कौन जो करते हो गड़बड़ घोटाला? क्या मरे धनुष के छापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? देख लिया हम क्षत्रियों का समाज जो यूं ही सरों न आयो। लक्ष्मण तेरी इस असभ्यता का तुझे अभी स्वाद चखाता हूँ। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण ये हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार-बार क्यों मुझे डराने आए हो? देख लिए क्या काल आपका वाहन है जो उसे हाथ में लाए हो वह सूर नहीं कहलाते हैं। जो अपना स्वयं बखान करे वो योद्धा नहीं कहलाते। जो बातों से भुगतान करे ये लोहा तुम्ही को शुभ हो। जिसने ही अपने घर का लहू चाटा वाली हारी न हाथों पे, जिसने अपनी माता का ही सर काटा ये लोहा तुम्ही को शुभ हो। छोटा है परंतु अवश्य ही खोटा है। देखो तो सोने के लोटे में दूध विष में मिलाकर खोटा है। शंकर काको दंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे रनिवासों में ही खेला है तू, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। मुनि श्रेष्ठ, किस बात का है आपको पश्चाताप? इसे तोड़ दिया हमने तो जोड़ लीजिए ना। जो बने इमारत वर्षों में वह क्षण में ही गिर जाती है। मंडल में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व व्यक्त करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम गर्व करें किस बात का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो, वह तो मोटे मोटे होते हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे छोटे होते हैं। रणिवासों में पाले बड़े जब के पल्ले पड़ते हैं, उस समय महाकाल भी असमुख तो से भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इसका ना संहार किया है। व्यर्थ ये कुल्हाड़ा मेरा, जो इसका ना संहार किया। अब नहीं सवाल बालवध का, जब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, ये फरसा आज से काटता है। हे मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। यह दोनों बालक अभी नादान है, इन्हें बुरे भले का ज्ञान नहीं। इसलिए आप अपना क्रोध शांत करके इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा मुनिवर, आपके आग्रह से मैं इन्हें छोड़े देता हूँ। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको मैं वापस लेता हूँ, किंतु देखो इसकी कठोर हंसी चित मन में मेरे आग लगाती है। इसकी ये मुस्कुराहट मेरी छाती विचलित करती जाती है। अरे कुछ इसको भी तो शिक्षा दो, बस मुझको ही सिखाते हो। मेरी इन आंखों के आगे से क्यों न इसे हटाते हो? मुनि श्रेष्ठ, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती अधिक धड़कती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना कहे तुम आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। और अनुराग इन धनुष खंडों को अपने साथी ले जा सकते हैं। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला किस फरसे की। मुनिनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है फरसे की। इसे काट भी डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी है। नौछावर विप्त चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी यह कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सर ताज हमारे होते हैं। सर्वदा ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा भी ब्राह्मणों की है, जो शिव धनु राम ने तोड़ा है। और यह दया भी ब्राह्मणों की है, जो इस स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। एक गरम दूजा गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे देख रहे हो विश्वामित्र, हरकत अपने चेलों की। दो राम न होंगे इस जग में, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग नाम का राम अभी। हे नाथ, मुझ में और आप में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। ये तो मेरे ही पूर्वजों के पैरों के निशान है, तो क्या राम ही श्री विष्णु का अवतार है? हे राम, यदि तुम अवतारी हो तो मेरा संदेह मिटाओ। ये लो मेरा धनुष और इस पर बिल्ला चढ़ाओ। धनुष पर चिल्ला चढ़ गया है। धन्य हो भगवान, धन्य हो। भूल हुई मुझसे जो मैं विष्णु के अवतार को ना पहचान सका। धन्य हो रघुकुल भूषण, धन्य हो। हे ऋषिराज, धनुष पर चिल्ला चढ़ने के पश्चात इसका वार खाली नहीं जाता। कृपया करके बताएं इसे किस दिशा में छोड़ा जाए? भगवान, इसे आप विंध्याचल पर्वत की ओर छोड़ दीजिए, जिससे मेरा क्रोध और मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। धन्य हो भगवान। सूर्य समान हो तुम, समान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और कलाकारों का एक बार जोरदार तालियां बजाकर अगर